अमृतसर में शार्प शूटर जगरूई पुरूपा और मनप्रीत मन्नू के एनकाउंटर पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने मुंह खोला है। गोल्डी ने कहा है कि मैंने इन दोनों को सरेंडर करने को कहा था। उन्होंने कहा कि हम तुझे अपनी आखिरी परफॉर्मेंस दिखा कर जाएंगे। रूपा और मन्नू ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया था। ये मर्डर कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ही कराया था। गोल्डी ने सोशल मीडिया पर इनकाउंटर के बारे में बयान दिया है। गोल्डी बराड़ ने लिखा है कि थोड़े दिन पहले अमृतसर इनकाउंटर में हमारे दो भाइयों की मौत हो गई। जगरूप और मनप्रीत दोनों भाई हमारे बब्बर शेर थे। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम हमेशा इनके एहसानमंद रहेंगे। इनके फैमिली के लिए हर वक्त हाजिर हैं, पूरी मदद करेंगे। मैं छोटे भाई गोली का जी कोट का धन्यवाद करता हूँ जिसने इन दोनों की मुझसे मुलाकात करवाई थी। एनकाउंटर के दिन जब पुलिस से टकराव हुआ तो जगरूप का मुझे फ़ोन आया था। उसने बताया कि पुलिस ने हमें घेर लिया है। उस वक्त मैंने उसे कहा था कि सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। आगे से शेर कहते हैं कि भाई तुझे अपनी आखिरी परफॉर्मेंस दिखानी है, हम सरेंडर नहीं करेंगे। मेरे डेडली लायंस ने 6 घंटे तक पुलिस को रोक रखा। जो लोग कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को 8 लोगों ने मार दिया, उनको मैं बता दूं कि 8 थे और यहाँ 1000 पुलिस वाले। मुकाबला फिर भी पूरा दिया। पुलिस मीडिया में चला रही है कि अंकित सिरसा को मैंने पैसे नहीं दिए, मैं उसका फ़ोन नहीं उठा रहा। ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरा भाई है, उनका सबका मैंने सेट कर दिया है। पुलिस ऐसी गलत बातें ना करें। गोल्डी बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस का करीबी साथी है। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस ने तिहाड़ में बैठकर मूसेवाला के कत्ल की पूरी साजिश रची थी। गोल्डी बराड़ ने इसे अंजाम दिया। गोल्डी बराड़ ने ही शार्प शूटर्स को इकट्ठा किया, मूसेवाला की तहकीक कराई, शूटर्स को हथियार पहुँचाए। इसके बाद 29 मई को मूसेवाला का कत्ल करवा दिया।